गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल किचन विद नूर सबा। चलिए आज हम बनाते हैं छोले रेसिपी। ये हमारा छोले हैं, 4 कप छोले लिए हैं। इसे ओवरनाइट भिगा के रखें, आप इसे रात भर भिगो के रखें और कुकर में बॉईल करने के लिए डालें। छोला बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप में बनाएंगे, बहुत ही झटपट बन जाएगा। आप स्टार्ट वीडियो। छोले में जो सारे मसाले डालेंगे वो ये हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक या अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। ये सारे मसाले छोले के अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारा मसाला ऐड हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे बड़ा प्याज, 2 मीडियम साइज की टमाटर और ये 3 से 4 हरी मिर्च। मैंने हरी मिर्च ऐड कर दिया, ये टमाटर ऐड कर दिया और ये सारा ऑनियन ऐड कर दिया। बिल्कुल आप इसी तरह से बनाएंगे। देख सकते हैं। और इसमें डालेंगे पानी। पानी हम इतना डालेंगे कि चने के ऊपर तक आ जाए। अब इसे आराम से पकने देंगे 5 से 6 सीटी आने तक। और साथ ही ऑयल भी डाल देंगे। तो मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में डालना, तो ये मैं फिर से डाल दूंगी। आप देख सकते हैं किस तरह, अब अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे चना को पकने देंगे 5 से 6 सीटी आने तक। आप देख सकते हैं ये 5 से 6 सीटी लग चुकी है, ये कुकर ठंडा हो चुका है। अब इसे खोलेंगे, खोल के देखिए किस तरह से ये पक चुका है, कितना इजी और सिंपल। अब इसे थोड़ा सा भूनेंगे ऑयल छोड़ने पर। छोले को बीच बीच में चलाएंगे ताकि ये हमारे छोले जले। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पके हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये छोले मसाले झटपट बनते हैं, आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। इसे भी और 5 मिनट भूनेंगे। 5 मिनट हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब देख सकते हैं किस तरह से। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा पानी डाल सकते हैं। ये देखिए पानी डालने के बाद कितने अच्छे से बॉईल हो चुका है ये। अब ये हमारा छोले मसाला तैयार है। आप देख सकते हैं अब से बॉल में डालेंगे। ये देखिए हमारा छोले रेसिपी तैयार है, गर्मा गर्म झटपट बनने वाले। इसे खाइए और बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।